everyone welcome to my youtube channel i am priti singh your and today i am going to deal with second lecture of ancient history on the topic indus valley civilization for your upcoming upsc prelims as well as mains examination this topic is very important and we will be discussing this topic in very brief and before we begin here is a small announcement dear students for getting the pdf of my lecture or asking your doubts you can join my telegram channel upsc target with preeti and you will be getting telegram link from description box first of all let's once again discuss the syllabus of upsc of ancient history basically there are 10 to 12 topics that are mentioned in CS paper 1 and i have already completed first topic that is the stone age and today's second lecture that is the indus valley civilization and this is very important topic after that we will be dealing अर्ली वैदिक पीरियड एंड द लेटर वैदिक पीरियड सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसकी शुरुआत कब हुई और ये कब ये डिक्लाइन हुआ तो हम लोग मान के चलते हैं कि इसकी जो शुरुआत हुई थी कार्बन डेटिंग प्रोसेस से हमें पता चलता है कि इसकी शुरुआत हुई थी थर्टी थर्टी थ्री हंड्रेड बी सी से और इसकी इंड जो हुई और डिक्लाइन हुआ वो थर्टीन हंड्रेड बी सी में हुआ था और इसको अलग अलग नामों से भी जानते हैं जैसे कि हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस सरस्वती भी, भी बोलते हैं या सरस्वती कल्चर भी बोलते हैं इवन हरप्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं अब ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन हम लोग बोलते हैं ये बोलने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि ये जो हरप्पन ये बोल सकते हैं आर्कियोलॉजिकल नॉमनिकलेचर है जब सबसे पहले 1921 और 22 में इसको सर जर्म के द्वारा डिस्कवर किया गया था तो पहला जो एविडेंस हमें मिला था हरप्पन साइड से मिला था तो हम लोग इस सिविलाइजेशन को जाते इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग बोल सकते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि सबसे पहला एविडेंस हमें हरप्पन साइड से भी मिला था अब इसका एक चीज़ हमें इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था इसका कैपिटल सिटी क्या था और पोर्ट सिटीज़ क्या थे पोर्ट सिटीज़ बहुत थे बट कैपिटल सिटीज़ दो थे पहला था हरप्पा एंड दूसरा था मोहनजोदारो ये दोनों बहुत ही मेजर सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की और इसके बाद से हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके तीन फेजेस हो जाते हैं पहला जो फेजेज है उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली हरप्पन फेज जो कि BC से ट्वेंटी बी सी तक होता है दूसरा जो हमारा मैच्योर हरपन फेज है जो कि ट्वेंटी हंड्रेड से लेके नाइनटीन हंड्रेड बी सी तक है वहीं अब बात करें लास्ट वाला लास्ट फेज जो है वो है लेट हरपन फेज जो कि नाइनटीन हंड्रेड बी सी से लेके थर्टीन हंड्रेड बी सी तक का है अब क्वेश्चन आता है कि वहाँ पे लोग जो थे वो किस टाइप के लैंग्वेज यूज़ करते थे तो हम अभी तक उनके लैंग्वेज को नहीं पहचान पाए हैं बट हम वो जो स्क्रिप्ट हमें मिली हैं उस स्क्रिप्ट के बेसिस पे हम अनुमान लगाते हैं कि या तो वो ड्राइवेरियन बोलते थे या प्रोटो ड्रावेरियन या संस्कृत ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं बट अभी भी हम लोग उसको डैसीफर नहीं कर पाए समझ नहीं पाए हैं जिस बेसिस पे हम लोग लैंग्वेज का जो कन्फर्म है कि कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे उसको हम लोग नहीं बता सकते हैं तो हम अब हम लोग देखते हैं इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन कि ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है सबसे पहले जानते हैं कि ये जो आपका हरप्पन सिविलाइजेशन है या इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये बहुत ही पुराना है इवन चारकोलित कल्चर से भी पुराना है और इसको अर्लियर बोलने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये बहुत ही डेवलप्ड था चारकोलित कल्चर से हम लोग कल चारकोलित कल्चर चारकोलित टाइम पीरियड के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए थे जो स्टोन एज के बाद का हमारा जो टाइम था तो इससे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होने की वजह से हम लोग इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत ही अर्लियर ट्रीट करते हैं ये जो है बेसिकली हमारा आई वी सी कि हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडियन सब कॉन्टीनेंट का वहाँ पर एयर हुआ और इसको हरप्पन बोलने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सबसे पहले हम लोग हरप्पा साइड पर इसको डिस्कवर हुआ था इन 1921 बाय सर जॉन मार्शल और ऑल्सो ये जो है वेस्टर्न पंजाब जो है वहाँ पे लोकेटेड है वेस्टर्न पंजाब के जो प्रोविंसेज है वहाँ पर लोकेटेड है और ये पंजाब जो है कहाँ पे लोकेटेड है पाकिस्तान में मतलब इसके जो आप बात करें जोग्राफिकल एक्सटेंशन में तो आपको पता चलेगा कि इसके बहुत से मेजर पोर्सन जो है वो पाकिस्तान में लोकेटेड है कुछ ही पोर्शन ऐसे है जो इंडिया में और अफ़गानिस्तान जो है वहाँ पर लोकेटेड है अब हम लोग बात करते हैं कि जो हरप्पन कल्चर है ये कौन कौन से एरियाज़ को कवर करता है तो ये कवर करता है पंजाब सिंध बलूचिस्तान गुजरात राजस्थान एंड वेस्टर्न वेस्ट यू यूपी मतलब वेस्ट यूपी के जो फ्रेंजेज हैं उनको भी कवर करता है ये थोड़ा तो बहुत जोग्राफिकल एक्सटेंस देखिए अब इसके नॉर्थ साउथ इस्ट्रेस जो एक्सटेंसन है वो देखते हैं इसका अगर एक्सटेंसन हम नॉर्थ में देखिए तो मांडा से लेके साउथ में नर्मदा एक्सूरी तक है मतलब आप नॉर्थ में गुजरात जम्मू एंड कश्मीर से लेके आप साउथ में गुजरात तक ले सकते हैं वहीं आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखें तो वेस्ट में मकरन कोस्ट दैट इज लोकेटेड इन बलुचस्तान से लेके मेरठ में इस तक ये पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन तक यहाँ तक इसका लोकेशन है ये जो है आपका मेहरगढ़ हरप्पा मोहनजोदारो लोथल ये सारी बड़ी बड़ी सिटीज़ है सबसे बड़ा सिटी हमारा यहाँ पे हरप्पा एंड मोहनजोदारो है इस मैप को आप देखने के बाद एक बोल बात बोल सकते हैं कि ये एक ट्रैंगल की तरह फॉर्म करता है और इसका जो एरिया था ऑलमोस्ट ट्वेल्व लाख नाइन्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर फॉर्म होता था और ये जो आपका इंडस वैली कल्चर था सिविलाइजेशन था ये लार्जर है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इसकी एरिया को देख के बोल सकते हैं इवन वर्ल्ड में जितने भी सिविलाइजेशन है चारों सिविलाइजेशन उसमें बड़ा सिविलाइजेशन जो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसकी एरिया भी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे हमें बहुत से साइट्स को हमें मिले हैं बट उनमें से सिर्फ सिक्स साइट्स ऐसे बस सिक्स साइट्स ही ऐसे हैं जिनको हम लोग सिटी बोल सकते हैं बाकी छोटे छोटे छोड़ बहुत से टू हंड्रेड ऑलमोस्ट साइट्स हमें मिले हैं सबसे बड़ा जो साइट हमें मिला है वो है हरप दैट इज लोकेटेड इन पंजाब एंड दूसरा जो है वो है मोहन जादव मोहन जोधारो दैट इज लोकेटेड इन सिंध सिंध कहाँ पे पाकिस्तान में मतलब ये दोनों जो मेजर सिटीज़ हैं इंपॉर्टेंट सिटीज़ ये ये साइट्स बोल सकते हैं आई का ये हमारा पाकिस्तान में ही लोकेटेड है वहीं आप तीसरी सिटी की बात करें तो वो है चानो दारो एंड चौथा जो है वो है लोथल फिफ्थ इज कालीबंग एंड सिक्स बनवाली ये छः दो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो ये हमें थोड़ा बहुत एक्सटेंसन के बारे में पता चल गया अब हम मैंने आपको बताया कि सिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइड से बाकी अदर भी साइड से जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं ये जो क्वेश्चन है पूछा जाता है कि आखिर कालीबंगन कौन से स्टेट में लोकेटेड है या कुछ इसके एविडेंस हमें पता करना बहुत ही जरूरी है तो हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि कौन से साइड्स कहाँ कौन कौन से स्टेट्स में लोकेटेड है तो ये अला अलामगढ़ गिरपुर से छोड़ के बाकी ऊपर का जितना एरिया है सारे इंडिया में है और ये जो तीनों हैं ये बेसिकली पाकिस्तान में लोकेटेड है इट मीनस मोहनजाधारो चानो दारो एंड हरप्पा ये तीनों पाकिस्तान में लोकेटेड है अगर हम मोहनजा की बात करें तो रिवर जो हमारा इंडस रिवर है वहाँ पे लोकेटेड है और वहीं आप चानो की बात करें तो ये भी सिंधु में ही लोकेटेड है लोके और हड़प्पा भी जो है रावी रिवर के आस पास ही लोकेटेड है लोके ऑल्सो अगर आप बात करें अदर साइड्स जो इंडिया में लोकेटेड है वो है कालीबंगन लोथल ढोलावीरा रंगपुर सूर्कोटा रोजटी बनवाली एंड कोपर इज द आलमगीरपुर अब इसकी लोकेशन के बारे में भी बात करें तो ये जो आपका कालीबंगन है ये राजस्थान में लोकेटेड है वहीं लोथल डोलावीरा और ये सारी जो है गुजरात में लोकेटेड है बनवाली हरियाणा में है रोपर पंजाब में है वहीं आलमगीरपुर जो है हमारा यूपी में लोकेटेड है तो ये सारे साइट्स और स्टेट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अदर भी बहुत से साइट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो अब हम लोग यहाँ के टाइम टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर थे उनके बारे में जान लेते हैं हमें ये बात हमेशा याद रखना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो सबसे लार्ज बोल सकते लार्जेस्ट सिविलाइजेशन था एम ऑल अदर फोर्स जितने भी चारों थे उनमें सबसे बड़ा सिविलाइजेशन था और इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि ये जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो प्लैंड सिटी के रूप में था ये मतलब बोल सकते हैं सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन था जहाँ पे जो हाउसेज होती थी जो घर बने होते थे वो ग्रिड लाइक पैटर्न्स में बने हुए रहते थे यहाँ पे जब आप जो ये इमेज देख रहे हैं ये इमेज उसी का रिप्रेजेंट करता है कि कैसे लोग यहाँ पे हाउस बनाते थे यहाँ पे क्या करते थे कि जो भी सिटीज होती थी वो रेक्टेंगुलर ग्रिड से बनी हुई होती थी और जो रोड्स होते थे वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से आते थे और दोनों एक दूसरे को नाइन्टी डिग्री पे काट कर कट करते थे और उससे एक सिटी में छोटे छोटे ब्लॉक्स में घर बने हुए रहते थे यहाँ पे जो देख रहे हैं एक बड़ा सा आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर पैटर्न में ग्रिड बना हुआ और उसके अंदर आपको छोटे छोटे घर बने हुए दिख रहे हैं ये जो घर है यहाँ पे जो रोड होता है बेसिकली एक दूसरे को नाइन्टी डिग्री पे काटता था ऑल्सो इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ जो भी टाउन्स होते थे वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाई देता था कि ये जो टाउन होते थे दो पार्ट में डिवाइड होते थे अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में जो अपर पार्ट होता था वो जो सिटाडल को कवर करता था वही जो लोअर पार्ट होता था यहाँ पे जो छोटे कास्ट के लोग होते थे मतलब जो छोटे लोग होते थे वो लोग रहते थे जो कॉमन पीपल होते थे वही जो सिटाडल बड़े बड़े लोग जो होते थे वो रहते थे जैसे कि हम लोग हरप्पा या मोहन की बात ले लें तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ही सिटाडल लिखेगा ये जो इमेज दिख रहा है बेसिकली आपका सिटाडल था और यहाँ पे बाकी जो है ये लोअर पोर्शन होते थे और यहाँ पे बेसिकली जो रूलिंग क्लास होता था वो रहता था वहीं आपका जो सिटाडल के नीचे जो सिटीज होती थी वहाँ पे जो कॉमन लोग रहते थे वो लोग रहते थे तो अब क्वेश्चन आता है कि आखिर जो वहाँ पे घर बने हुए रहती थी वो कौन से मटेरियल से बने हुई रहती थी तो जो इम्पोर्टेंट फीचर्स यहाँ पे ये भी है कि वहाँ की जो घर होती थी बैकड ब्रिक्स और सन राइट ब्रिक्स से बनी हुई रहती थी पक्की जो ईट होती है उस उस ईंट से वहाँ की घरें बनी होती थी और इम्पोर्टेंट फीचर्स वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही डेवलप्ड था वहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम की बात करें जितने भी सिविलाइजेशन है उससे सबसे बेटर सिविलाइजेशन मतलब बेटर ड्रेनेज सिस्टम था सबसे पहला इसका अगर ड्रेनेज सिस्टम के फीचर्स के बारे में बात करें तो वो ग्राउंड जो कवर ड्रेनेज सिस्टम होता है उस टाइप का होता था जैसे अगर आपको इमेज में दिखाऊं तो ये हमारा ग्राउंड या बोल सकते हैं कवर ड्रेनेज सिस्टम जो कि हमें एविडेंस से ही पता चलता है जो हमें एविडेंस मिले उस बेसिस पे दूसरा हमें पता चलता है कि जो भी वहाँ पे ड्रेनेज होता था वो किसी रेयर साइड्स में जो हाउस होते थे उनके रेयर साइड्स में कनेक्ट होता था और वो इवन जो ड्रेनेज सिस्टम बना होता था वो भी बेक्ड ब्रिज से बना होता था तो ये जो आपको इमेज दिख रहा है ये ड्रेनेज सिस्टम का इमेज दिख रहा है कि कैसे वहाँ पे एक रास्ता जा रहा होता था और बहुत ही अच्छे से बनाया होता था कि ताकि वहाँ पे कोई भी पोल्यूशन ना हो वहाँ पे जो सैनिटरी का प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाए वहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी था कि जो बिल्डिंग्स होती थी वो तीन टाइप्स की बिल्डिंग होती थी एक तो प्राइवेट हाउस होता था दूसरा लार्ज हाउस होता था एंड तीसरा जो होता था लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर होता था बेसिकली जो लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर होते थे वहाँ पे ग्रैंड्रिज या सिटाडल्स होते थे वहीं आपका जो प्राइवेट हाउस है ये या उसमें हो सकता था कि सिंगल हाउस भी होते थे और कहीं कहीं मल्टी रूम्स हाउस भी होते थे ऑल्सो वहाँ पे वेल एंड वाटर रिजर्वर्स थे कॉमन था मतलब जो भी प्राइवेट हाउस है वहाँ पे वाटर रिजर्वर होना और वेल होना बहुत ही कॉमन था साथ साथ हर घर के अंदर टैप्स दिखाई देते थे और इंपॉर्टेंट था कि वहाँ पे ग्रेट बाथ जो था बहुत ही कॉमन था मतलब हर घर में आपको कॉमन दिखे ग्रेट बाथ दिखेगा और बहुत ही बड़ा बात होता था ग्रेट बाथ और ये जो बाथरूम था ये बेक ब्रिज और स्टोन से बना हुआ रहता था वही जो आपका लार्जर हाउस है ये छोटे 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 जो घर होते थे उनसे चारों तरफ से घिरा हुआ रहता था राइट तो वहाँ पे तीन टाइप्स की बिल्डिंग होती थी अब बात करते हैं कि वहाँ पे जो हमें एविडेंस मिले हैं वहाँ पे हमें एक बात पता चला है क्या कि मोहन जो है वो लार्जेस्ट वहाँ पे सबसे बड़ी ग्रेनरी हमें ऑब्जर्व की गई है वहाँ पे लार्जेस्ट बिल्डिंग जो मिली मिली है वो ग्रेनरी की मिली है वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या था कि जो ग्रेनरी होती थी वो हमेशा रेस्ट प्लेटफॉर्म में बनाया जाता था अब क्वेश्चन आता है कि हमेशा वो रेस प्लेटफॉर्म पे ही क्यों बनाते थे तो हो सकता है कि सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि उसको फ्लडिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिवेंट करने के लिए बनाते होंगे या तो ऐसा भी हो सकता है कि जो पेस्ट होते हैं नीचे रखने से उसमें कीड़े लग जाते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए वो लोग ग्रेनरी को हमेशा टॉप पर बनाते थे रेस प्लेटफॉर्म पर बनाते थे उसके नीचे भले ही छोटे छोटे अलग अलग हाउसेस हो बट ग्रेनरी बनाने के लिए वो लोग हमेशा टॉप या रेस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते थे ऑल्सो क्या है कि इन ऑलमोस्ट ऑल सिटीज एवरी बिग और इस हाउस इट हैज ए आउन कॉर्टयार्ड उनकी खुद की कॉर्टयार्ड और बाथरूम होता था इवन इन कालीबंगा मेनी हाउसेज हैड देयर वेल्स एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम द हाउस टू द स्ट्रीट ये जो आपको इमेज दिख रहा है ये आपका बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है और वो कैसे बना हुआ रहता था स्टोन या बैक ब्रिक्स से बना हुआ होता था ऑल्सो द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पा इज ऑलमोस्ट यूनिक स एट द हर मतलब वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को हमें देख के पता चलता है कि वो लोग कितना ज्यादा हेल्थ और क्लिननेस को लेके कंसर्न थे राइट तो ये हमारा टाउन प्लानिंग स्ट्रक्चर हो गया कि कैसे उस वक्त के लोग का टाउन प्लानिंग था कैसे घर होते थे अब हम लोग देखते हैं कि कैसे उस टाइम की एग्रीकल्चर थी तो उस वक्त का जो एग्रीकल्चर था मोस्टली बोल सकते हो कि बोल सकते वो, वो लोग विलेज इकोनॉमी या कहीं कहीं हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो लोग ट्रेडिंग भी करते थे तो जो हरप्पन विलेज था वहाँ पे बेसिकली हम लोग ये मान के चलते हैं। वो कि वो फ्लड प्लेन्स के पास लोकेटेड था मतलब इट मीन्स क्या कि जब वो फ्लड प्लेन्स के पास लोकेटेड है इट मीन्स कि वो इस मतलब जितनी सफिशियंट उन्हें फूड ग्रेन्स चाहिए उतना वो लोग जो है प्रोड्यूस कर लेते थे अब बताया कि आखिर कौन कौन से फूड ग्रेन्स वो प्रोड्यूस करते थे तो वो वीट बाली टी पीस सीशम लेंटिल्स सिकपी मस्टर्ड्स ये सारे जो फूड ग्रेन्स है इन सबको प्रोड्यूट प्रोड्यूस करते थे और ऑल्सो हमें याद याद क्या रखना है कि ये जो राइस है बहुत ही रेयर था उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था इवन हमें मिल मिलेट्स के भी एविडेंस मिले हैं गुजरात साइड से मतलब गुजरात में जो साइड से वहाँ से हमें मिलेट्स के भी एविडेंस मिले हैं इट मीन्स कि वेस्टर्न में जो हम लोग अभी फूड ग्रेन्स यूज़ करते हैं उस वक्त भी वहाँ पर यूज़ किया जाता था बट राइस जो था दैट वॉर रेयर ऑल्सो फूड ग्रेन्स वेयर स्टोर्ड इन ह्यूज ग्रेनरीज सो मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पर दिखा है मोहन जोदार में दिखा है और उसके बाद से हरप्पन में दिखाया है साथ साथ हमें कालिंग बंगन में भी पता चला है और हमें ये भी पता चला है कि जो जो भी पीजेंस होते थे उनसे टैक्स के टैक्स के फॉर्म में सीरियल दिया जाता जा था और फिर उसको स्टोर किया जाता था, था फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ऑल्सो द इंडस पीपल वेयर द ऑल्डियस्ट पीपुल टू प्रोड्यूस कॉटन दैट इज़ वेरी यूनिक फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितनी सारी यूनिक फीचर्स दिख रही है मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में उन्होंने पहली बार कॉटन को प्रोड्यूस किया था इवन ग्रीक जो है वो एक एरिया बोलते हैं दैट इज इस एरिया को सिंडन बोलते हैं और उसका मतलब ही होता है सिंध मतलब उनके यहाँ जो कॉटन होता है कॉटन को ग्रीक्स में सिंडन बोल जाता है और सिंडन का मतलब होता है सिंध मतलब उन्हीं ये, ये मान के चलते हैं कि कॉटन जो है सबसे पहले प्रोड्यूस कहाँ पे हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ था ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग क्या रखना है हमें याद कि वहाँ पे हमें एक चीज़ बहुत ही डिफिकल्ट है कि एग्रीकल्चरल जो पैटर्न था उसको रिकन्स्ट्रक्ट करके हम उसके बारे में जान पाएं बट अभी आप देखें तो वहाँ पे जो भी हमें रीजन्स दिखाई देते हैं जो भी साइड्स हैं वहाँ पे अभी एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है पहले के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल था वहाँ पे जो वो एरिया होती थी वो फ्लड प्लेन्स होती थी एंड मोस्ट हन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड एरिया सेमी एरिड लैंड्स फिर एरीगेशन वा प्रोसेस probably required for agriculture that is very important कि अगर semi-arid lands में है तो वहाँ पर agriculture जो हमारा irrigation है वो बहुत ही important हो जाता होगा इट मीनस वो लोग irrigation के लिए भी अलग अलग methods और technique use करते थे also हमें ये भी पता है कि कहीं कहीं से हमें canals traces of canals भी मिले हैं जैसे कि हरापन sides में और हमें देखते हैं कि important thing क्या है कि ये जो traces of canals हमें पंजाब और सिंध से नहीं मिला है बट कुछ हरापन साइड्स है जहाँ पर हमें ये ड्रेसिस ऑफ कैनाल्स मिले मीन्स थोड़ा इरीगेशन का जो प्रैक्टिस है उसको वो लोग यूज़ करते थे ऑल्सो तो द हरप्पन प्रैक्टिस एग्रीकल्चर्स वहाँ पर एनिमल्स भी था वो भी लार्ज स्केल में वो लोग एनिमल रियरिंग करते थे और इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप देखें तो जो सील्स और टेरा कट्टा हमें वहाँ पर दिखाया उससे हमें बात ये पता चलता है कि उस वक्त जो बूल है वो उन सबके उन लोगों को इसके बारे में पता था और आर्कियोलॉजिस्ट जो है इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि माइट पॉज की वो लोग प्लॉटिंग के लिए ऑक्स का यूज़ या ऑक्सीजन का यूज करते थे इवन हमें हॉर्सेस का भी एविडेंस मिलना है मोहनजोदारों से और हमें पता चला है कि लोथल में भी मोहनजोदार या लोथन से हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसे हमें ये पता चलता है कि उस वक्त जो था एग्रीकल्चर काफ़ी हद तक अच्छा था साथ साथ में वो लोग एनिमल रियरिंग भी करते थे ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हरप्पन कल्चर वॉज नॉट हॉट सेंटर मतलब कहीं कहीं हम मान के चलते कि यानी कि अगर वहाँ पे हर सेंटर वहाँ पे नहीं था पर हमें ये बात याद रखना है कि हॉर्स बुल ऑक्सन ये सारे जो है वहाँ पे दिखाई देती है और इनका एविडेंस हमें सील्स और टेराकोटा से मिलता है अब हम लोग देखते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जैसे अभी आपको मैंने बताया कि वहाँ पे एग्रीकल्चर तो अच्छा था बट उसके साथ साथ वो एनिमल रेनिंग करते थे तो कौन कौन से एनिमल को डोमेस्टिकेट करते थे तो पहला था ऑक्सीज दूसरा बफेलो तीसरा गॉड फोर्थ थी सिप एंड पिक्स साथ साथ हमें ये भी पता है कि जो लोग हम का भी यूज करते थे दैट द इवन डॉग्स को वो लोग पेट कैट्स रिगार्ड करते थे और उसका भी डोमेस्टिकेशन करते थे साथ साथ एसेस और कैमल्स जो थे उनको भी वो लोग रखते थे माइट पॉसिबल कि उसको वो लोग बीच ऑफ के लिए रखते होंगे वन अभी मैंने आपको बताया कि हमें हॉर्सेस का भी एविडेंस मिला है मोहनजादारो और सूरा से मतलब हॉर्सेस भी उस वक्त नॉन थे साथ साथ एलिफेंट्स जो था उसका भी एविडेंस हमें हरापन साइड से मिला इट मीन्स हरा एलिफेंस विथ था वहाँ पे कॉमन था इंपॉर्टेंट थिंग हमें याद क्या रखना है कि उस वक्त लायन हमें कहीं पे भी लायन का एविडेंस हमें कहीं पे नहीं मिलता है। टा, टाइगर का भी एविडेंस मिलता है एलिफेंट या राइनोज इन सबका एविडेंस मिलता है बट कहीं पर भी हमें लाइन का एविडेंस नहीं मिलता है अब हम लोग देखते हैं कि उस वक्त की टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट्स कहते था तो उस ये जो आपका हरप्पन कल्चर है बेसिकली ये ब्रोंज ऐज से बिलोंग करता है जैसे हम लोग कल देखे थे चार्कोलिथिक पीरियड तो वहाँ पे देखे थे कि लोग कॉपर का यूज़ करना जानते थे बट उन्हें ये नहीं पता था कि कॉपर और टीन को मिला के ब्रोंज बनता है बट यहीं जब आपका आई बी सी आई दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ से लोग ब्रोंज का यूज़ करना जान गए उन्हें पता चल गया था कि कॉपर और तीन को मिक्स करके हम लोग ब्रोंज बना सकते हैं और उस ब्रोंज का यूज़ वो लोग यूटेंसिल्स बनाने के लिए अलग अलग टूल्स वीपन्स बनाने के लिए वो यूज़ करते थे उसमें हमें जो भी कुछ ऐसे और से जिसे हमें बहुत सी इम्प्योरिटीज़ मिली है और उस इम्प्योरिटीज़ को देख के हमें पता कर सकते हैं कि उस वक्त का जो कॉपर होता था उसको वो लोग या तो खेतरी माइंस से लेते थे जो कि लोकेटेड कहते थे राजस्थान में और हो सकता है कि जो वहाँ पे टीन सुन को मिलता था वो अफगानिस्तान से मिला और इसका एविडेंस हम लोग कैसे लगाते हैं जो ओर्स की इम्प्यूरिटीज हमें मिली हुई है ऑल्सो कहीं कहीं हमें ओवन कॉटन्स का भी एविडेंस मिला है जैसे कि मोहन जोदारे से इसका बेसिकली एविडेंस मिला और हमें ये बात पता चलता है कि लोग जो थे वहाँ उस पर उसका कॉटन भी प्रोड्यूस करते थे उनको स्पिनिंग और विबिन का भी बहुत अच्छा खासा नॉलेज था और वो लोग क्या करते थे स्पिंडल होल्स का भी यूज़ करते थे फॉर स्पिनिंग साथ साथ दे प्रैक्टिस बोट मेकिंग एंड ब्रिक क्लाइंग मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा इंडस वैली सिविलाइजेशन का टेक्नोलॉजी है साथ साथ अगर हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात करें तो हमें कहीं कहीं ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिसे हमें पता चलता है कि वो लोग जो था ट्रेड प्रैक्टिस करते थे वो लोग सबसे बड़ी चीज़ क्या कि दो मेटल यूज़ कर रहे हैं कॉपर एंड टीन और उन्हीं से वो लोग बेसिकली ब्रोंज बना रहे हैं तो इसका जो एविडेंस हमें मिला है बेसिकली साउथ इंडिया राजस्थान अफगानिस्तान बलूचिस्तान एंड पर्सिया से मिला है तो वो क्या करते थे कि ये जो भी उनके पास मेटल्स होता था उसको वो लोग मनी के टर्म में नहीं यूज़ करते थे उस वक्त वो लोग मनी के बारे में मेटेलिक मनी या करेंसी किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते थे उसका लोग माइट पॉसिबल की पार्टर सिस्टम को यूज़ करते थे हमें जो एविडेंस मिला उससे हमें ये जैसे कि हमें मेसोपोटामिया में कुछ ऐसे हरप्पिन सिल्स मिल रहे हैं जिन्हें हम देख के ये बोल सकते हैं कि वो लोग मेसोपोटामिया से ट्रेड करते थे ट्रेड कॉमर्स का प्रैक्टिशन उनका था साथ ऐसा भी हम लोग मान के चलते हैं कि दे प्रैक्टिस नेविगेशन ऑन द कोस्ट ऑफ तो अरेबियन सी एंड दे न्यू द यूज ऑफ फील एंड कार्ड्स विथ सॉलिड फील्स वेयर इन हरप्पा जहाँ पे हमें पता चला है एंड ऑल्सो हमें पता चला कि उन्हें मॉडर्न इक्का के बारे में भी काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज था अब हम लोग देखिए कि वहाँ की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे था तो हम एक्यूरेट पूरी तरह से नहीं बता सकते कि वहाँ की पॉलिटिकल लाइफ जो थी कैसे थी क्यों क्योंकि वहाँ पे हमें कहीं पर टेम्पल्स का एविडेंस नहीं मिला है जिसे हम लोग ये भी बोल सके कि वहाँ पे प्री रूलिंग था और ना ही हमें कुछ किंग्स के बारे में कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं बट कहीं कहीं हमें ट्रेड का देख के हम ये बोल सकते हैं कि माइट पॉसिबल वहाँ पे जो था मर्चेंट क्लास का रूलिंग था मतलब वहाँ पे जो जिनके पास पैसे होते थे वो लोग जो सिटाडल्स में रहते थे वो काफ़ी हद तक अच्छा होता था बट सिटाडल्स को देख के हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो सिटाडल पे ही होता था और यूनिफॉर्म एंड सेंट्रल होता था सबको उसका बात मानना पड़ता था तो अगर सिटाडल की बात करें तो सबसे बड़ा हमें पता है कि मोहन चौदारों और हरप्पा पे सिटाडल बहुत ही ज़्यादा कॉमन था इट मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है वो मोहन चौदारों एंड हरप्पन था तो इन बात को देख के हम टेम्पल्स के एविडेंस हमें नहीं मिले हैं या प्रिस्ट रूलिंग का एविडेंस हमें नहीं मिल रहा है इस हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो भी लोग थे वो कॉमर्स के लेके जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न थे एज कंपेयर टू कंकस्ट सो माइट पॉसिबल की हर अपन रूल्ड बाई ए क्लास ऑफ मर्चेंस राइट तो ये हमारा पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो गया अब हम लोग उनके रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में देखते हैं तो वो जो बेसिकली थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वो मॉडर गड़ेस या नेचुरल वर्सिप करते थे वो लोग टेम्पल्स का यूज़ कहीं पे भी नहीं करते थे कहीं पे भी हमें टेम्पल्स का एविडेंस नहीं मिला है वो लोग जो नेचुरल नैच्चरा, जो नेचुरल वर्शिप होता है या बोल सकते हैं एनिमल वर्शिप या ट्री वर्शिप उन सब का यूज़ करते थे जैसे कि पीपल का वो लोग यूज़ करते पीपल का पूजा करते थे इवन एनिमल जैसे कि हम्ट पुल है उसका वो लोग पूजा करते थे ये जो हम्ट पुल है बेसिकली पशुपति के लिए हम लोग उनको पूजा करने के लिए यूज़ करते थे तो वहाँ पर जो आप बात करें आई वी तो वहाँ पर मेल डायटी जो थे वो थे हमारे पशुपति महादेवा जिनको हम लोग शिवा भी बोलते हैं तो इन्हें हमें इनके बारे में कैसे पता चलता है जब हम लोग एक मेल का इमेज देखते हैं एक मेल का स्क्रिप्चर फॉर्म बने हुए देखते हैं सील्स पे जहाँ पे उनके थ्री हेड्स दिखाए गए हैं सांसद हॉर्न्स के बारे में बताया गया और उनको वो योगी के पोजिशन में बैठे हुए हैं एक पैर को मतलब वन एक पैर जो है दूसरे पैर पे वो करके एक पोजीशन में बैठे हुए हैं जैसे योगी जो हम लोग योगा करते हैं उस टाइप की पोजीशन में तो इनको देख के हम एक बार बोल सकते हैं कि जैसे पशुनाथ या शिवा होते हैं वो भी तो ऐसे ही बैठते हैं ना तो दैट्स वाई हम लोग मान के चलते हैं कि वो जो इमेज है वो पशुपति महादेवा का इमेज है वो जो इमेज था बेसिकली जो गॉड का वो चार तरफ से चार जानवरों से सराउंड होते थे एलिफेंट बफेल और टाइगर एंड डायनासोर से साथ साथ उनके पैर के पास दो हीरो रहती थी और ये हमारे पशुपति महादेव के बारे में भी रिप्रेजेंट करता था साथ साथ वहाँ पे फालूस वर्शिप भी दिखाई देता था जो कि अभी जो इंडिया जो हमारे हिंदू सोसाइटी है वहाँ पे बहुत ही रेस्पेक्टेबल फॉर्म ऑफ वर्शिप है ऑल्सो जो वहाँ के जो लोग थे हरपंस के वो लोग ये बिलीव करते थे कि गॉड्स या इविल फोर्सेज जो है उनको हार्म कर सकती है मतलब दैट्स वाई यूज दे यूज़ एम्यूलेट्स मतलब वो लोग जंतर मंतर बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे ताकि खुद को घोष्ट और इविल फोर्सेज से भी प्रोटेक्ट कर सकें तो ये उनके रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में हो गया अब हम लोग कुछ हरप्पन स्क्रिप्ट के बारे में भी देख सकते हैं तो ये जो हरप्पन स्क्रिप्ट मतलब हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करें तो वो बेसिकली प्रोटो हिस्ट्री में आते हैं मीन्स उनको कुछ ना कुछ लिखना आता था बट अभी वो जो भी चीज़ें लिखे हैं उनको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं इट मीन्स दे इन्वेंटेड आर्ट ऑफ राइटिंग बट हमें जो भी एविडेंस मिले हैं राइटिंग के उनको हम लोग अभी भी समझ नहीं पाए हैं और वो हमें ये जो भी उनकी राइटिंग्स मिली हुई है बेसिकली सिल्स पे मिली हुई है और वो लोग एक लेंथी फॉर्म में नहीं लिखते थे वो लोग छोटे छोटे वर्ड्स में लिखे थे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते थे जैसे कि अभी हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किसी किसी चीज़ का रिप्रेजेंट करके हम लोग ऐसे छोटा चोड़ छोटा इमेज बना के उसको बोलते हैं किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं दैट इज़ नॉन एज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जैसे कि अगर हमें किसी मैन को लिखना है तो वो लोग मैन को सीधे ऐसे इमेज बना के वो बोल देंगे दैट इज़ मैन तो वैसे दैट इज़ नॉन एज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो वो लोग कुछ ऐसा करते थे मीन्स वो लोग जो भी चीज़ें सील्स पर लिखते थे वो एक बहुत छोटे वर्ड्स में लिखते थे जिनको मतलब हमें अभी भी समझ नहीं पाया है बट हमें पता है कि वो लोग राइटिंग्स के बारे में अवेयर थे दैट इज़ दो तो हरप्पन स्क्रिप्ट है वो हमारा बेसिकली या हराप्पन सिविलाइजेशन है उसको मान सकते हैं कि वो बेसिकली हमारा प्रोटो हिस्ट्री के अंदर आता है अब हम लोग हरप्पन पोट्री के बारे में बात करते हैं तो वहाँ की जो पोट्री होती थी बहुत ही डेवलप्ड होती थी एज कम्पेयर टू तो चालकोली थी क्या स्टोन एज से मतलब जो वहाँ पे लोग जो थे पोल्ट्री व्हील्स का भी यूज़ करने लगे थे साथ साथ में उन्हें जो हम जो भी हमें पोर्ट्स मिले हैं वहाँ पे बहुत से कलर्स या उसके ऊपर बहुत से फिगर्स या ड्राइंग बनाए हुए हमें दिखाई दिए हैं जो जो पोर्ट्स होते थे उनको अलग अलग डिजाइन से डेकोरेट किया जाता था साथ साथ में कहीं कहीं पे तो मैन का भी इमेज हमें कोई कोई पोट्री पे पाया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे यूनिक पोट्री हमें हर अपन साइट से या हर अपन आई सी से हमें अलग अलग एविडेंस मिले हुए हैं अब बात करते हैं उस टाइम की सिल्स के बारे में तो हमें ऑलमोस्ट टू सिल्स मिले हैं आईवीसी के एविडेंस है जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो अलग अलग तरह के सील्स मिले हैं किसी सील्स पे बफेलो का इमेज है किसी पर हॉर्नबुल का इमेज है किसी पे टाइगर का इमेज है कहीं पे रैनो का इमेज है कहीं गोट का कहीं एलिफेंट का पर कहीं पे भी हमारा लाइन का एविडेंस नहीं मिला है जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि लाइन उस वक्त कहीं पर भी हमें लाइन का एविडेंस नहीं मिलता इवन सील्स पर भी कहीं पर लाइन का रिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया है वहाँ पे ऑल्सो क्या था कि इमेजेस के बारे में बात करें तो जो लोग हरपन आर्टिस्ट होते थे वो बहुत ही अच्छा अच्छा इमेज बनाते थे मेटल्स पे इवन वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर दिखा है वोमन डांसिंग का हम लोग भी डांसिंग गर्ल के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो इमेज बनाया गया है बहुत ही यूनिक इमेज था ये जो आप इमेज यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे सिल्स के हैं जिस सिल्स पे अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया था इवन कई कई सिल्स पे तो अलग अलग जो वो लोग पूजा करते थे रिलीजियस उनका जो प्रैक्टिस था उसका भी वो लोग इमेज बनाते थे तो ये जो इमेज है बेसिकली डांसिंग गर्ल का है जो कि हमें मोहन जोदारों से मिला है और इसको देख के हमें पता चलता है कि ऑलमोस्ट फोर थाउजेंड ईयर्स ओल्ड ये जो इमेज है ये बनाया गया है बहुत ही यूनिक है और हमें पता चलता है कि उस वक्त वो लोग औरतों की कितना ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे साथ साथ में हमें एक बीर्ड प्रिस्ट का भी इमेज मिला है जिसको हम लोग मान के चलते हैं कि हो सकता है कि या तो वो किंग हो वो हमें कहाँ से मिला है मोहन से मिला हुआ है अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ की ब्यूरियल्स मैथड्स कैसे थे तो वहाँ के जो ब्यूरियल्स मदि था दैट वॉज पेयर्स एंड स्कैल्टन और वहाँ पे दाह संस्कार संस्कार भी होता था और साथ साथ वहाँ पे जो लोग होते थे उनके विशेष के साथ जैसे आप देख सकते हैं कि कैसे पेयर्स में ब्यूरल्स को लगाया गया है तो हमेशा साथ में और कहीं कहीं कुछ सामान भी उनके साथ जो थिंग्स हैं उसको भी लगाया जा रहा था और उनके साथ साथ उनका दाह संस्कार भी किया जाता था अब हम लोग लास्ट देखते थे दैट इज द इंडस वैली सोसाइटी एंड कल्चर मतलब इन सब को पढ़ने के बाद हम एक बात बोल सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था दैट वाज कॉस्मोपोलिटिशियन सिविलाइजेशन कॉस्मोपोलि पोलिटन पोलिटन सिविलेशन का सिंपली मतलब होता क्या है क्या कि वहाँ पे अलग अलग रेसेस के लोग रहते थे डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते थे बेसिकली वहाँ पे चार टाइप्स के लोग रहते थे प्रोटो एस्टोलोड मेडिटेरेनियन मैंगोलॉयस एंड नॉर्डिज ये जो थे बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनंट्स लोग थे जो वहाँ पर रहते थे और हमें स्टडी करने के बाद पता चला है क्या कि ऑलमोस्ट फाइव मिलियन पीपल जो थे वो इंडस वैली सिविलेशन में रहते थे और वहाँ पे जो वेट था और मेजरमेंट था वो भी बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में किया गया था ऑल्सो वहाँ पे हमें पिक्टोरिक स्क्रिप्ट मिला है अलग अलग तरह से हमें इस तरह से मिला है जो कि बहुत ही यूनिक है साथ साथ में हमें ये भी पता चला गया कि वोमेन और मैन दोनों को इक्वल स्टेटस दिया गया था बट वहाँ पे इकोनॉमिक इनइवालिटी बहुत ही दिखाई देता था जैसे अभी आप, आपको मैंने बताया कि जो भी सिटी होती थी वो सिटार्स और जो लोअर होता था पोर्शन उसमें डिवाइड होता था मतलब नॉट एन इगलिटेरियन सोसाइटी वहाँ पे टेक्सटाइल्स भी थे स्पिनिंग एंड वीविंग वर वेरी इंपॉर्टेंट और थ्री टाइप्स होते थे एंड सी, पोस्ट सीमेंस ये जो था ये क्रीमेशन ये बहुत ही प्रैक्टिस होता था ये जो ब्यूरियल्स से सबके लिए कॉमन था मतलब भले ही वहाँ पे इकोनॉमिक इन इक्वालिटी थी, थी पर ब्यूरियल्स जो था वो सबके लिए छोटे बड़े सबके लिए ही कॉमन होता था ऑल्सो मैं याद रखना है कि वहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं था तो अब क्वेश्चन आता है कि आखिर डिक्लाइन कैसे हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब इतने सारे फीचर्स थे कि वहाँ पे सिटिंग प्लानिंग था बात था एग्रीकल्चर भी अच्छा था लोग जो थे काफ़ी डेवलप्ड थे सिल्स का यूज़ करते थे उनको राइटिंग भी आती थी तो डिक्लाइन क्यों हो गया तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि आई का डिक्लाइन जो हुआ ऑलमोस्ट एटीन हंड्रेड में हुआ बट हमें एक्चुअल रीज़न नहीं पता है कि आखिर ये डिक्लाइन कब हुआ था बट एक जो थियोरी है वो एक्सप्लेन ये करती है कि जब आर्यन इन्वेंट किए तब उनके साथ के उनके साथ कंकस्ट हुआ और उसके बाद से ये जो आईवीसी है वो हार गए और इसकी वजह से डिक्लाइन हुआ दूसरा जो है वो दूसरे जो स्कॉलर्स है वो ये मान के चलते हैं कि नेचुरल फैक्टर्स की वजह से आई का डिक्लाइन हुआ है जैसे कि माइट पॉसिबल की जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर हो सकते हैं या अर्थक्वेक हो सकता है या जो टेक प्लेट टेक्नोलिक डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से आई का डिक्लाइन हुआ हो गया या फिर जो रेनफॉल में चेंजिंग हुआ या रिवर कोसेस में जो चेंजिंग हुई उनकी वजह से हमारे आई का डिक्लाइन हुआ और ये जो नेचुरल नेचुरल कॉजेज है जब इनका एक कम्बिनेशन हुआ विद द uh, बोल सकते हैं बहुत ही स्लो प्रोसेस प्रोसेस में तब जाके आईवीसी का डिक्लाइन हो गया मतलब हमें क्लियर ये नहीं पता है कि आखिर आईवीसी का डिक्लाइन कैसे हुआ हम ये मान के चलते हैं कि आर्यन के इन्वेंशन की वजह से या फिर जो नेचुरल या इफ़ेक्ट्स होते हैं नेचुरल अलग अलग फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं उनकी वजह से जियोग्राफिकल या क्लाइमेटिक फैक्टर जिसकी वजह से हमारा आई का डिक्लाइन हो गया सो दिस इज़ ऑल अबाउट आई आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड थैंक यू सो मच एवरी डोंट फॉर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल for getting the notification of upcoming videos.